मामला सामने आया है। हिंदू बताकर युवती को भगा ले गया था मुस्लिम युवक, युवती ने मुस्लिम युवक पर लगाए हैं आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर बनाता था धर्म परिवर्तन का दबाव। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मौलवी के साथ संबंध बनाने का बनाया था दबाव। बता दें कि एक महीने पहले युवती को चाकू मार किया था घायल। किदवाई नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। हिंदू बताकर युवती को भगा ले गया था मुस्लिम युवक, युवती ने मुस्लिम युवक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। युवती का कहना है अश्लील वीडियो बनाकर बनाता था धर्म परिवर्तन का दबाव। बड़ी खबर कानपुर से, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू बताकर मुस्लिम युवक युवती को भगा ले गया था। एक महीने पहले युवती को चाकू मार घायल भी किया था। किदवई नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मधुर मोहन हमसे जुड़ चुके हैं। मधुर, हिंदू बताकर और युवती को भगा ले गया था मुस्लिम युवक, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? क्या उस युवक का पता चल पाया है? नहीं, ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया भाई। हाँ, ठीक है, सही सही कह रहे हो। क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम होना है, क्योंकि हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आरोप लगाए हैं। आप बता दें कि दुबेरहट थाना क्षेत्र का पूरा मामला, यहाँ पर एक मुस्लिम युवक है जिसने लड़की से प्रेम विवाह किया था और हिंदू बन के प्रेम विवाह किया था। उसके बाद लड़की ने को जब इसकी जानकारी, तो लड़की ने नवस्था थाने में इसकी सूचना दी थी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम जो लड़के साथ मैंने शादी की, मेरा पति है वो मुस्लिम है और हिंदू बन के उसने मुझे शादी की है। उसके बाद लड़के ने इसको अपने पास बुलाया और अपने जब इसको पता चला ये कि मुस्लिम है तो लड़के ने मारपीट की और जिसको चाकू मारी, जिसमें लड़के को नवस्था पुलिस ने जेल भेजा था। उसके बाद जब लड़का छूट गया तो फिर युवती परेशान कर अपने साथ रखने की बात कर रहा है। इसके लिए लड़की ने प्रार्थना पत्र दिया थाना किदवई नगर पे और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता दें सब जो लव जिहाद के कितने मामले होते हैं, इन मामलों में एक एसआईटी टीम गठित की गई है, वही इस मामले को देख रही है। अभी तक युवक फरार है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैसे युवक पकड़ में आता तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी जी मधुर मोहन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के मीर